माननीय सम्माननीय वरिष्ठ नेते अशोक भाव यादव साहब, हमारे मुंबई के माइनॉरिटी के अध्यक्ष बबू खान जी और इस जिला के जिला अध्यक्ष और इस इलाके के माजी आमदार बलदेव खोसा जी, ऑल इंडिया के ऑब्जर्वर जो अभी आए हैं, मोहम्मद अकरम जी, हमारे जोगेश्वरी ईस्ट के राजेश शर्मा जी, हमारे साथी और मेरे उन इलाके से भी मैं 5 साल एमएलए था, हमारे भाईजान भाईजान और सभी अलग अलग यूनिट के अध्यक्ष जो बैठे हैं और नेतागण और भाइयों और बहनों, मेरे काफी दोस्त लोग यहाँ बैठे हैं, अभी सबका नाम लेना सम्मानित मंच और भाइयों और बहनों, हकीकत तो यह है कि जब कांग्रेस चलती थी तब बीजेपी वालों की नींद खराब थी कि नहीं भाई कांग्रेस के साथ में मुस्लिम जुड़ा है। उन्होंने पूरे मीडिया को मैनेज करके कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम पार्टी डिक्लेयर कर दी थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर और लोगों को भड़काना शुरू कर दिया था। और जब आज आपने देखा होगा कि अब उनकी पैर के नीचे की जमीन हिल रही है तो बोरी समाज का एक मीटिंग था, उसके अंदर भी जाके हमारे पीएम जाके खड़े हो गए, जबरदस्ती के बिना बुलाए मेहमान बन गए। अब उनको सब चलता है, जबकि पूरे 60 साल के ऊपर कांग्रेस को लेके आज तक अगर आजादी में भी अगर किसी ने साथ दिया होगा मुस्लिम समुदाय को हिंदुस्तान के, तो उस टाइम पे भी कांग्रेस ने साथ दिया था। कांग्रेस के जो हमारे मुस्लिम नेतागण थे उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने, नेहरू जी ने मिल के ही जो हिंदुस्तान में थे उनको सबको लेके चलने की कोशिश की, और सिर्फ कोशिश भी की, उनकी आजादी भी संभाली कि भाई हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई मुस्लिम है 5 टाइम नमाज पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। लेकिन ये सरकार आने के बाद आप बकरा नहीं काट सकते हो, वो बैल का ये होता है, भैंस का ये हो रहा है, गाय का ये। अरे भाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने खुद गाय नहीं काटने की ऑर्डर किया और उसके बावजूद सब लोगों ने मान भी लिया, मुस्लिम लोगों ने भी मान लिया, लेकिन अब बैल कट रहे तो भी उनको दुखी है। आज जाके देखो गांव खेड़े में वो बेचारे बूढ़े हुए बैल की हालत जो है, वो किसान उसको पाल नहीं सकता, खेत में छोड़ देता है, ना उसका दवा पानी हो रहा है, ना गवर्नमेंट उसके लिए कोई अनुदान दे रही है। मेरा ये कहना है अगर तुम कोई कानून लाना चाहते हो तो उसके पहले उसकी तैयारी करो कि उसके लिए कौन सा रास्ता आपने निकाला है। सिर्फ ट्रक भर के जा रहा है बस पकड़ लो मारो, अरे कहां से जा रहा है, कौन है, इंसान की वैल्यू है कि नहीं आप लोगों को? तो ये जो चीज चल रही है ये खाली ऐसा कोई इलाका नहीं है कि जहां इनकी दादागिरी नहीं चलती है। आपने देखा होगा एक पुना वाली जो बात थी, भाई वो घोष लेके जा रहा है या कुछ जा रहा है उसको पकड़ के, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं था, ऐसे आदमी को इंजीनियर को उन्होंने पुना में मारा। लेकिन वो धरने उनकी जो दहशत है वो इतने पैमाने में है कि लोगों को कल को घर के बाहर निकलना है कि नहीं उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि लोकसभा के अंदर उनकी मेजोरिटी तो थी लेकिन राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है, इसलिए वो थोड़े ठंडे हुए। आपको बता देता हूं, अगर लोकसभा के जैसा राज्यसभा में भी अगर मेजोरिटी रहती तो एक यूनिफॉर्म बना देते थे, आपको यही करना पड़ेगा, 2 के ऊपर 3रा बच्चा रहेगा तो आपका ये होगा, वो नौकरी नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, मतलब कहां भी ऐसा जगह नहीं रखते जहां गला दबाने का मौका नहीं मिले। तो ये हकीकत है, आपको बता देता हूं। अभी वो जो ठंडे हुए क्योंकि राज्यसभा में उनकी मेजोरिटी नहीं है, अगर कोई कानून पास करना है तो वो कानून पास करने के लिए लोकसभा से जाने के बाद राज्यसभा में पास होना पड़ता है, क्योंकि इन्होंने जो राष्ट्रपति भी बनाया है, किसी दिन आप टीवी पे देखिए वो बेचारा मोदी साहब चल रहे और उसके पीछे राष्ट्रपति चलता है, ये हिंदुस्तान में कभी हुआ नहीं है। राष्ट्रपति पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सर्वोच्च पद का चीज राइट उनके रहता है, उनके आगे कोई नहीं चल सकता, लेकिन यहाँ तो ऐसा है
कि उनको ये उंगली पकड़ के इधर बिठा रहे उधर बिठा रहे, पर इनको लोग शाही से कोई लेना देना नहीं है। इनकी जो सोच है वो पूरा तालीम करके बैठे, लेकिन वो फंस गए। राज्यसभा में उनकी मेजोरिटी नहीं है, और अभी हर जगह लोगों को मालूम पड़ा कि क्या हकीकत है, और हर राज्य में भी वो मार खाते जा रहे हैं। इसलिए उनको अभी पता चला कि राज्यसभा में हम कभी भी मेजोरिटी नहीं ला सकते। आज देखिए आप खुद हैदराबाद से दो आदमी पकड़ कर लाए, उनका फिक्स कर दिया, वे महीने को इतना पैसा आपको मिलेगा, जो हम लिख के देंगे उतना ही आपको बोलना है। आपको पता होगा एक बार हैदराबाद से एक स्टेटमेंट दिया था इन्होंने, दोनों भाइयों में से एक ने, और जब आईबी का रिपोर्ट आया कि ये स्टेटमेंट की वजह से हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम झगड़ा होगा, कांग्रेस गवर्नमेंट ने तुरंत उनको उठा के अंदर डाल दिया था कानूनन। लेकिन आज जो उस वक्त कहा था उसने, उससे 10 गुना ज्यादा बोल रहा है, एक खरोच तक नहीं आ रही है, जबकि बीजेपी की सरकार है, पूरे पावरफुल सरकार है, इनको उठा के कहां डाल देगी पता नहीं चलेगा। लेकिन उनको इनकी जरूरत है, क्यों ये जितना गाली देंगे, ये जितना हिंदुओं को गाली देंगे उतनी उनकी वोट बढ़ेगी, और वो पूरे ताकत के साथ में चुन के आएंगे। अभी उनको पता चला कि लोगों मुस्लिम लोगों के दिमाग में आ गया एमआईएम पार्टी उनकी दलाल है और उनके लिए काम कर रही है। अब उनको पता चला उनका पावर कम हो रहा है, तो उसके साथ में प्रकाश अंबेडकर को जोड़ के नया गठबंधन करने की कोशिश चल रही है। लेकिन प्रकाश अंबेडकर ने गठबंधन का हाथ तो ऊपर कर लिया, लेकिन नीचे से उनके आदमी लोग ने कहा अगर आप यही करना चाहते हो, बीजेपी को साथ देना चाहते हो, तो हम लोग आप लोगों के साथ में नहीं आएंगे। भाइयों, चीज छोटी नजर आती है लेकिन उसको गौर से देखना जरूरी है, क्योंकि जब एक नेता को स्टेज पे खड़ा लेके आप लोगों का माइंड चेंज करने का कोशिश करता है, क्योंकि कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में हमने देखा हमारे डोंगर और जुगली की जो सीट थी वहां पे उन्होंने एक मीटिंग ली, तो हमारे मोहसिन हैदर जी को टेंशन आ गया, उनका फोन आया मुझे, भाऊ बोले ये तो मीटिंग हो गई, ये सीट हमारी खतरे में है, दोनों सीट। मैंने बोला भैया कुछ खतरे में नहीं, तुम सीधा चलो, मैं साथ में चलता हूं, हो जाएगा। नहीं नहीं मुझे आपकी मीटिंग चाहिए। मैंने मीटिंग करवा दी, दो मीटिंग बोला मैंने, चार मीटिंग करवा दी, और लिस्ट गिना दिया कि ये सब चोर एक हो गए हैं, एमआईएम के साथ में मिल के मुस्लिम लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। वहां के लोगों ने वो मान भी लिया और दोनों सीट हमारी शान से चुन के आई। तो यही मेरे को आप लोगों को रिक्वेस्ट करना है कि भड़काने वाला तो चला जाएगा, हम और आपको यहाँ रहना है, हम और आपको मिल के पूरी ताकत के साथ में अगर आगे नहीं चलेंगे, तो जो हमारा सपना है, आपका सपना है, राहुल जी को हमको पीएम बनाना है, मतलब बनाना ही है, आपको ध्यान रखिएगा। तो मुझे ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आने वाले दिनों में, इनकी हालत उनको पता है, लेकिन कुछ ना कुछ नया मसला वो लाएंगे, कहीं ना कहीं अभी वो मंदिर भी दिख रहा है उनको, और कुछ निकालेंगे, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लगाने की पूरी कोशिश भी करेंगे। लेकिन आप लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो अफवाह है, भड़काने वाली बात है, अपने कौम में बैठ के अपने लोगों को समझा दो कि भाई 2019 तक थोड़ा मिलजुल के सफर से चलो, उसके बाद उनकी जगह हम उनको दिखा देंगे, ये हम आपको प्रॉमिस करते हैं। जय हिंद, जय भारत।